हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। हम यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक्स की बात कर रहे थे, तो हमारा एसी कंपटीशन टाइप का डिस्कस हो गया था, ठीक है। रिकॉल टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। उसके आगे हम आगे के कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज और सजेशंस हो गए थे जो रिकॉल टाइप हम पढ़ रहे थे, तो ठीक है। रिकॉल टाइप में मैंने आपको बता दिया था सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसी को फटाफट आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दूसरा जो टाइप है हमारा रिकॉग्निशन टाइप। रिकॉग्निशन टाइप में मतलब क्या है, अल्टरनेटिव रिस्पांस आते हैं। अल्टरनेटिव रिस्पांस का मतलब देखिए क्या होता है। अल्टरनेटिव रिस्पांस का मतलब यहाँ पे जो भी आपको रिस्पांस देना है वो आइटम ऑफ ईच एडमिट्स विद ओनली टू पॉसिबल रिस्पांस। आपको दो में से एक सही आंसर को देना पड़ेगा, है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल ट्रू और फॉल्स हो सकते। अल्टरनेटिव रिस्पांस का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक सही होगा और एक गलत होगा, तो आपको वो करना है। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है अल्टरनेटिव रिस्पांस टाइप में। पहला जो टाइप है वो रिकॉग्निशन में अल्टरनेटिव रिस्पांस टाइप है। एन अल्टरनेटिव रिस्पांस टेस्ट इज मेड अप ऑफ ईच आइटम, और ईच आइटम के पास दो एक पॉसिबल रिस्पांस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, द जनरल फॉर्म ऑफ इन दिस द ट्रू फॉल्स में, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, अदर फॉर्म्स के भी हो सकते हैं, राइट एंड रॉन्ग में और यस और नो। तो इन तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं अल्टरनेटिव रिस्पांस टाइप के क्वेश्चन। तो इसका एग्जांपल देखिए, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ट्रू या फॉल्स। या आपको बताना है कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, कोई एक आंसर होगा, ठीक है। ये अल्टरनेटिव, इसको अल्टरनेटिव बोलते हैं। या तो ये होगा या तो ये, इस अल्टरनेट का मतलब ये होता है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, ट्रू और फॉल्स। ये हो गया अल्टरनेटिव रिस्पांस का एग्जांपल। मल्टीपल चॉइस का मतलब आप समझ रही हैं कि दो या दो से ज्यादा आंसर होंगे यहाँ पे करेक्ट, और लेकिन करेक्ट एक ही होगा, और ऑप्शन आपको कितने दिए होंगे, दो या दो से ज्यादा ऑप्शन दिए होंगे, तो ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें किस तरीके के एमसीक्यूज में किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लीजिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सीटेट वगैरह या कुछ भी, जितने भी आप कंपटीशन लेवल के एग्जाम देते हैं, वो कैसे आते हैं, वो एमसीक्यूज के माध्यम में फॉर्म में आते हैं। तो इसमें मान लीजिए हमने पूछा है यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, इसमें से राइट कोई एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाउंडर ऑफ टेलीविजन इज, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, मोर कहने हैं, जगदीश चंद्र बसु हैं, ग्राहम बेल है, जॉन लेग्जे बियर्ड है, तो इन चारों में से कोई एक ठीक होगा। तो ये क्या है, इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। बहुत सारी चॉइस है यहाँ पे, लेकिन जो करेक्ट है वो एक ही है। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग टाइम। तो मैचिंग टाइम आपको पता है, अब हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, तो इसमें तीन चार ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, ठीक है। उसके करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है कि किसने किससे क्या किया है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल, कॉलम के फॉर्म में दिए रहते हैं, पेयर्ड के फॉर्म में दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, मैच द आइटम इन कॉलम विद ए एंड बी। मान लीजिए ये कॉलम ए है, ठीक है, ये कॉलम बी है, तो ए कॉलम वाले को बी कॉलम वाले के सही वाले से मैच करना। मान लीजिए यहाँ पे रदरफोर्ड दे रखा है, चैडविक दे रखा है, रंगटन लेन ले सकता है, जे थॉमसन दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक्सरे दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है, तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए रदरफोर्ड क्या है, रदरफोर्ड का क्या काम है, ठीक है, क्या मतलब क्या डिस्कवर किया है, एक्सरे या इलेक्ट्रॉन या क्या रेडियोएक्टिविटी या क्या, तो आप इस चीज को भी क्लियर करिए। तो ये मैचिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कॉलम के फॉर्म में दिए रहते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन टाइप। तो क्लासिफिकेशन टाइप में देखिए तीन चार तरीके के क्लासिफिकेशन दिए रहते हैं, लेकिन उसमें से एक करेक्ट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कीजिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर मीटर मिलीमीटर हो गया, फिर किलोमीटर हो गया, तो जो ये दे रखा है ये मीटर मेजरमेंट, ये किसी चीज का मेजरमेंट दे रखा है। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट दे रखा है, क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो इस तरीके की जो क्वेश्चन होती है क्लासिफिकेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि किसी पर्टिकुलर फील्ड से क्लासिफाइड होते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉलीट्रॉन, तो ये क्या है, सारे एटम्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, सारे कंपाउंड्स हैं, ये क्या है, किसी चीज की यूनिट है। इसके बाद ये मान लीजिए यहाँ पे एसिड्स दे रखे हैं, H2SO4, HNO3, HCl और O2, तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, तो इनमें से कोई एक सही होगा। नेक्स्ट है हमारा एनालॉजी टाइप। तो एनालॉजी का मतलब होता है दो सिमिलर सिचुएशन हो एक तरीके से देखा जाए। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है कि वाटर, वाटर का जैसे यहाँ पे फॉर्मुला दे दिया और यहाँ पे वाटर लिख दिया, अब यहाँ पे हैवी वाटर, तो यहाँ पे आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको हैवी वाटर का फॉर्मुला लिखना है, तो हैवी वाटर का जो फॉर्मुला होता है वो D2O होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फिश दे रखा है, तो फिश का रिलेशन गिल्स से है, तो ह्यूमन का रिलेशन किससे होगा, हम लोगों से होगा, ठीक है। जैसे अर्थ का प्लेनेट से है, मून का किससे होगा, लेंथ का मीटर से है, तो एरिया का किससे होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो एनालॉगी यानी कि सिमिलर सिचुएशन वाले क्वेश्चन दे देते हैं आपको। इसी का हम मेरिट पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिविटी इन मार्किंग, ठीक है, मार्किंग ऑब्जेक्टिविटी में होती है, क्योंकि जो सही होगा उसके मार्क्स मिलेंगे, जो गलत होंगे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। टाइम सेविंग होता है, टाइम बहुत कम लगता है, फटाफट
और एक स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल होता है। और आज की डेट में देखेंगे तो सारे जो जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, कॉम्पिटेटिव पर्पस से रिलेटेड, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें चार ऑप्शन दिए रहते हैं, चार में से एक सही रहता है आपका। नेक्स्ट हमारा लर्निंग बाय रोट डज नॉट इन्फ्लुएंस, ठीक है, रोट लर्निंग क्लियर जरूरी नहीं है यहाँ पे कि बच्चा रट ही पाएगा, उतने सारे क्वेश्चन को बच्चा रट नहीं सकता है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी वो चार में से एक को बता पाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिवनेस ऑफ सैंपल, इसके बाद लैक ऑफ बायस और डायरेक्टली रिलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव। डीमेरिट क्या हो सकती है? डीमेरिट ये हो सकता है कि प्रीवियस ट्रेनिंग का प्रभाव पड़ सकता है बच्चे पे, कोई नो प्रोविजन फॉर द ऑर्गेनाइज कंटेंट, कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं होते, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं पूरे सिलेबस में। इसके बाद है मोर एक्सपेंसिव फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट के हिसाब से। फिर कंस्ट्रक्शन शुड बी वेरी इफिशियंट, जो कंस्ट्रक्ट करेगा टेस्ट को, जो बनाएगा टीचर, उसके पास बहुत सारी इफिशियंटी होनी चाहिए, बहुत सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए। और गेस वर्क यहाँ पे नहीं चलेगा आपको पता है, और ओरिजिनल थिंकिंग को नेग्लेक्ट करता है ये, ठीक है। ठीक, अब इसी के बारे में बात करते हैं कि इसको हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं कैसे करते हैं, तो क्या क्या स्टेप आते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा प्लानिंग आता है, दूसरा हमारा प्रिपरेशन ऑफ आइटम आता है, और तीसरा टेस्टिंग ऑफ टेस्ट आता है, और चौथा इवैल्यूएशन आता है। तो ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट को बनाने के लिए, कि हम प्लानिंग करेंगे, फिर प्रिपरेशन करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे ना। हमारे दो क्वेश्चन, दो क्वांटिटेटिव कंप्लीट हो गए हैं टूल्स, तीसरा क्वांटिटेटिव में हमारा शॉर्ट आंसर टाइप एग्जामिनेशन था, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय में देखिए क्या है, आपको पता है कि शॉर्ट ऐसे टाइप के होते हैं, मतलब जैसे किसी पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ गया, 10 लाइन, 4 लाइन, 8 लाइन, इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये भी अच्छा तरीका है, मान लीजिए हम किसी चीज पर बात करना चाह रहे हैं तो एक तरीके से शॉर्ट आंसर लिखने से क्या होता है, बच्चा टू द पॉइंट लिखना सीख जाता है कि किसी टॉपिक पर बात करनी है तो वो फटाफट उसके लिए को कंटेंट लिख लेगा। मान लीजिए शॉर्ट नोट्स लिखना है, वो 2 नंबर का है, तो वो 2 नंबर के हिसाब से कंटेंट लिख लेगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, है ना। बीएड में या हर जगह भी आते हैं शॉर्ट नोट्स लिखने को। तो इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि क्वेश्चन ऑफ दिस फॉर्म कैन बी मेड मतलब स्टिमुलेटिंग, ठीक है, स्टिमुलेटिंग इन द सेंस कि बच्चे को प्रॉपर रिएक्शन मिलेगा तो वो रिस्पॉन्स करेगा। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट कैन बी ट्रेन टू सेलेक्ट द रिलीवेंट, यानी कि बच्चा टू द पॉइंट लिखना सीख जाएगा, रिलीवेंट कंटेंट लिखना सीख जाएगा, ठीक है, और शॉर्ट में लिखना सीख जाएगा और सेंटेंसेस बनाने लगेगा। इसके बाद आंसर जो लिखेगा वो इजी वे में लिखेगा, जिसको उसको स्कोर करने में अच्छा हो, रिलायबल लिखेगा। इसके बाद कंटेंट जो होगा वो कंटेंट अपने नंबर के हिसाब से लिखेगा, कि अगर 10 नंबर का तो हम 10 नंबर का लिखेंगे, 5 नंबर का है तो 5 नंबर के हिसाब से मैटर लिखेंगे, और टू द पॉइंट बात करेंगे। द शॉर्ट आंसर टेस्ट भी स्पेशली यूजफुल इन द डायग्नोसिस। शॉर्ट आंसर क्या होता है? बच्चे की डायग्नोसिस टीचिंग को इम्प्रूव करता है। डायग्नोसिस टीचिंग का मतलब होता है कि कमियों को बताता है, ठीक है ना, डायग्नोस करता है, पता लगाता है कि क्या कमी है, ठीक है, बच्चे ने कैसा लिखा हुआ। इसके बाद है हमारा इसी में शॉर्ट आंसर वाले में, शॉर्ट आंसर वाले में 2 तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं, एक तो शॉर्ट होता है और एक वेरी शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट में कैसा हो गया, एक वर्ड का आंसर हो गया, मान लीजिए व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स आर यूज्ड इन द फोटो केमिकल सेल, तो सिंपल सा एक आंसर, एक वर्ड का आंसर होगा। फिर डिफरेंस इन डीएनए एंड आरएनए, दोनों के फुल फॉर्म देने, तो एक सेंटेंस बन गया, ठीक। और वेरी शॉर्ट में आपको पता है कि जैसे फुल फॉर्म पूछा, गिव फुल नेम्स ऑफ एमकेएस पद्धति, है ना, एमकेएस सिस्टम, फिर गिव फुल नेम ऑफ डीएनए, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में, ठीक है। और शॉर्ट को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, जब भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस का कंस्ट्रक्शन करेंगे, आइटम का टेस्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए, यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट ग्रामेटिकली करेक्ट, जो भी सेंटेंस हम बताएंगे वो ग्रामेटिकली कंटेंट मतलब करेक्ट हो और सिंपल वे में हो, शॉर्ट वे में हो, बहुत घुमा के ना हो, बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड डबल निगेटिवनेस, डबल निगेटिवनेस वहाँ पे अवॉइड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड क्वालिटेटिव टर्म्स, जैसे एग्जाम्पल सेल्डम, मास, फेयर, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद एब्सोल्यूट टर्म अवॉइड करना चाहिए, जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ऑल ऑफ दीज, नेवर, फिर नन ऑफ द अबव, इस तरह के जो मतलब ऑप्शन दिए जाते हैं ना दिए जाएं। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट डिबेटिंग फ्रॉम द मेन कंटेक्स्ट। इसके बाद कीप ईच आइटम इंडिपेंडेंट एंड यूनिफाइड, मतलब हर एक क्वेश्चन दूसरे से भिन्न होना चाहिए, एक दूसरे से कोरिलेटिव वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि इसका आंसर इसमें मिला तो वही क्वेश्चन आगे जाके 10 क्वेश्चन के बाद रिपीट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा देखा जाए तो गिव ड्यू कंसिडरेशन टू द टाइम अलॉटेड फॉर द टेस्ट, टाइम अलॉट किया जाता है टेस्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए। फिर गिव द क्लियर स्पेसिफिक एंड कंप्लीट डायरेक्शन, बच्चे को कंप्लीट डायरेक्शन दे दी जाती है कि 4 में से 1 ऑब्जेक्टिव है, इतना टाइम है आपका, इस तरीके के ब्लॉक भरने हैं, ABCD 4 ब्लॉक दिए हैं, उसमें से किसी एक की फिलिंग करनी है। अब तो हमारा शीट जो है इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसमें से 4 में से 1 सही होता है, अगर आप उसको प्रॉपर नहीं भरेंगे तो वो कंप्यूटर उसको काउंट नहीं करता है और रिसीव भी नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा कीप द सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्स एज वेल एज सिंपल पॉसिबल, तो जितना सिंपल से सिंपल रिस्पॉन्स होता है उतना वो पॉसिबल होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोशिश की बहुत स्पीड में और उस तरह की चीज़ों को कराने में, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं रही होगी क्योंकि टॉपिक बहुत सिंपल था, क्वांटिटेटिव की बात कर ली है हमने, ठीक है, एग्जामिनेशन सिस्टम में, तो अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। इसमें ओरल था, रिटन था,
ठीक है, ओरल रिटर्न, इसके बाद एसे टाइप, तो ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत हो, मतलब मान लीजिए क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन को पढ़ने में या टेक्निक को पढ़ने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। प्लीज आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ अर्चना शर्मा, लर्न विद कॉन्सेप्ट।